नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VDV ऑल अप टू डेट पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए नई नई अपडेट लेके आते हैं, और जो भी इस चैनल पर नए हैं आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं एक नई अपडेट की और, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप हमारे थंबनेल को टाइटल को देख के समझ ही गए हैं कि अर्धसैनिक बल हैं उनको इनकम टैक्स में छूट मिलने की जा रही है। राशन और जोखिम भत्तों पर अर्धसैनिक बलों को मिलेगी आयकर में छूट। जो CRPF, ITBP, CISF, SSB और BSF है और अर्धसैनिक बल हैं उनको इनकम टैक्स में छूट दी जाने के बारे में विचार किया जा रहा है। तो क्या है जानकारी कि केंद्रीय पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल और भी अर्धसैनिक बल के कर्मचारियों को राशन भत्ता और जोखिम व दुर्गम क्षेत्रों पर मिलने वाले भत्तों में आयकर में छूट मिल सकती है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी कि इस कदम को क्रियान्वित करने के लिए CRPF और BSF औद्योगिक बल सभी जो बल हैं उनको जो अर्धसैनिक बलों को लाभ मिलेगा इस कार्य के लागू होने में, क्योंकि अभी जो है इनको भी इनके ऊपर सुरक्षा बलों को आयकर देना पड़ रहा है। तो गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को राशन और जोखिम भत्तों और दुर्गम क्षेत्रों के ऊपर जो अर्धसैनिक बल को भत्ते मिलते हैं उनके ऊपर आयकर छूट देने के बारे में मांग करने पर विचार करने को आश्वासन दिया है। तो वित्त मंत्रालय ने हाल ही में गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा कि सुरक्षा बलों को यह लंबे समय से मांग की जा रही थी कि उनको राशन भत्तों और जो दुर्गम भत्तों मिलते हैं क्षेत्रों के लिए उनके ऊपर आयकर में छूट दी जाए, इस पर बजट तैयार करने के दौरान विचार किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने इस बारे में पत्र लिखा और अन्य बलों के समान वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक राशन भत्ते व अर्धसैनिक बलों को मिलने कार्य जो दुर्गम भत्ते हैं उनमें आयकर में छूट देने के मुद्दा उठाया था। दोस्तों, अभी जो और बलों को मिलता है राशन और दुर्गम भत्ते उनके ऊपर जो है इनकम टैक्स नहीं लगता है। रक्षा असम राइफल और NSG को मुफ्त राशन मिलता है और असम राइफल मुक्त और NSG को मुफ्त राशन मिलता है, जबकि CRPF, ITBP, और ITBP, SSB इन सबों को जो राशन भत्ता जो है मिलता है। अर्धसैनिक बलों में सिपाही, कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक को जो जितने भी गैर राजपत्रित कर्मचारी हैं उनको राशन भत्ते के रूप में जो है 3,000 रुपया प्रति माह मिलता है पे के साथ। तो सातवें वेतन आयोग में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि अर्धसैनिक बलों की सेवा शर्तों को देखते हुए सुरक्षा बलों को मिलने वाले सुरक्षा भत्तों व आयकर से छूट दी जाए। जोखिम और दुर्गम भत्तों जैसे 600 रुपये से लेकर 25,000 तक हैं, यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। तो ये मांग उठाई गई है कि इन भत्तों को और राशन भत्ते हैं उनसे जो है आयकर को दूर रखा जाए, उनमें छूट मिलनी चाहिए। तो गृह मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में जोखिम और दुर्गम भत्तों को भी आयकर से छूट देने का मुद्दा उठाया है। वित्त मंत्रालय ने दोनों मामलों पर अगला बजट तैयार करने के दौरान विचार करने की बात कही है। दोस्तों, तो दोस्तों ये थी जानकारी हमारी आज की कि अर्धसैनिक बल जो है उसको राशन भत्तों और जो दुर्गम क्षेत्र के उनको भत्ते मिलते हैं उनकी ड्यूटी को देखते हैं उनके जोखिम कार्य को देखते हुए जो भत्ते मिलते हैं उनके ऊपर भी अभी जो है टैक्स लगता है। तो अभी जो है गृह मंत्रालय ने जो है वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि ये इन भत्तों से जो है अर्धसैनिक बलों को आयकर में छूट दी जाए, इनके ऊपर उनसे टैक्स ना लिया जाए। तो अभी देखिए कब ये लागू होगा अगले बजट में। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में आपके साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।